लो भाई लो ना। मैं नाना जी, मैं कैसे? तू कैसे नहीं? मैं भी जानता हूं कि तू मुझे अपने दादा से कम नहीं समझती। अगर तू मुझे नाना कहती है ना, तो फिर अपने नाना से ये उपहार लेने में झिझक क्यों? सुंदर है नाना जी। ये आदि के नानी के कंगन है। और ये खास इसलिए भी है कि इसे मैंने अपनी पहली कमाई से बनाकर उसे दिया था। फिर तो मैं ये बिल्कुल नहीं ले सकती नाना जी, ये तो इस घर की अमानत है। पर मैंने तुम्हें भी तो अपने घर का सदस्य माना है ना। अगर तुमने नहीं लिया तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हें अपने नाना की कोई परवाह नहीं। लो, मेरा आशीर्वाद समझ कर इसे लो। लो, इसे संभाल कर। और वैसे मैं देख रहा हूं कि आजकल मेरी पंखुड़ी बिटिया मेरा हालचाल पूछने भी नहीं आती मेरे कमरे में। अरे कभी कभी आके मेरा हालचाल पूछ लिया करो भाई। डैड, आपको तो पता है मुझे ये प्लॉट शॉट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप ये रखो ना, शांति इनको दे दो। मैं क्या करूंगी, आपको जो करना हो करो उसके ऊपर। कम ऑन प्रीति, डैड ने तुम्हें इतने प्यार से दिया तो रख लो। वैसे भी तुम हमेशा कहते रहते हो कि डैड सब कुछ अवंतिका दी को ही देते, तुम्हें कभी कुछ नहीं देती। कुछ रोंग था अभी तो ठीक से बिहेव कर रही थी, एकदम से क्या हो गया? Come on, अवंतिका, बस भी करो। क्यों बात को बढ़ा रही है? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? डैड ने तुम्हें बेटा क्या कह दिया, अब तुम हमारे फैमिली मैटर्स में भी बोलोगे? आपकी गंदी आदत कभी नहीं जाएगी ना। देखो भाई, तुम दोनों फिर से झगड़ा शुरू मत करते प्लीज। हाँ दे, झगड़ा मैं शुरू कर रही हूँ कि ये कर रही है, इनको बोलो ना कुछ। अरे मैं तुम दोनों को ही शांत होने के लिए कह रहा हूँ ना। नहीं, आप मुझे चुप रहने को कह रहे हैं, क्योंकि आप इनसे तो कुछ कह नहीं सकते ना। इसमें नया क्या है, हमेशा ऐसा ही तो होता आया है, मेरे साथ क्यों? जो गलती करता है उसे सुनना ही पड़ता है। मैं समझ गई। कुछ देर पहले जब आपने सबसे पहले मुझे केक खिलाया ना, मैं सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अब सब याद आ गया। आपके लिए सबसे पहले हमेशा दी रहती, और आखिर में मैं नहीं चाहिए मुझे कुछ। प्रीति, प्रीति। बाबा, मैं भी चलता हूं। जब तक ये दोनों मेरी महान बहनें इस घर में होंगी, अब तक इस घर में शांति भूल ही जाओ।
रेस्ट करो। गुड नाइट। सॉरी मामी जी, वो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा देखकर चला करो ना बेटा। जब इतनी कीमती चीज तुम्हारे हाथ में है तो ज्यादा देख संभल कर चलना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, मॉम अपने रूम में जा चुकी है और एक बार मॉम अपने रूम में जाती है उसके बाद सुबह तक नहीं आती, अनलेस कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो। लेकिन आपने अभी तो गुड नाइट कहा, फिर वापस? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे इतने डिप्रेस मूड में अकेले छोड़ के जा सकता हूँ? हाँ, मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, तुम्हें थोड़ा चीयर अप करके मूड चेंज करना चाहिए, वरना तुम जो इतनी सेंसिटिव हो अगले कई दिनों तक ये पूरे हंगामे के लिए खुद को ब्लेम करती रहोगे, है ना? जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो कि तुम अपने पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गए। तो मैं हो गई ना। हेलो मैडम, तुम्हें क्या लगता है ये काम इतना आसान है कि फिल्मों की तरह ढाई तीन घंटे में क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद हम खुशी खुशी सब साथ रहे? हेलो, दिस इज रियल लाइफ। हाँ, वैसे मैं ये हारी भरकम फिलोसॉफिकल बातें तुमसे क्यों कर रहा हूं? रिश्तों और रिलेशनशिप्स की समझ तो तुम्हारी मुझसे ज्यादा है, और मुझे नहीं लगता है कि हमारा पहला प्लान पूरी तरह से फेल हुआ है। ये तो सिर्फ एक पहला अटेम्प्ट था, राइट? लेकिन लास्ट में तो सब गड़बड़ हो गया ना। अरे लेकिन सुनो ना यार, पहले जो भी हुआ वो सब तो ठीक था ना। जरा सोचो, जिन लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का वक्त तक नहीं, उन सबसे मिलकर तुमने काम करवाया, जश्न मनवाया, इनफैक्ट एक साथ मजा ले लेकर उन लोगों ने अंताक्षरी खेली। यू नो, ये सब दीवान मैंशन में पहले कभी नहीं हुआ है। इट इज अ बिग अकम्प्लिशमेंट रियली। मैंने बचपन से लेकर आज तक ना कभी ऐसे सबको मिलजुल कर साथ में सेलिब्रेट करते हुए कभी नहीं देखा। वैसे अपने फंक्शन का आज हाईलाइट ना अपनी शीला मामी थी, है ना? जब कैसे कुछ सूझा नहीं ना तो भजन शुरू कर दिया। वैसे तुम भी गाना गाती हो? नॉट बैड, क्वाइट शॉकिंग दो। क्यों शॉकिंग? क्यों नहीं, ऐसे बस जस्ट लाइक दैट। फिर भी बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे तो नहीं बोला आपने, बताइए ना शॉकिंग क्यों? कुछ तो सोचकर बोला होगा ना? यार राइट, सोच के ही बोला है, तुम्हारा ना अटेंशन डाइवर्ट करना। अभी तक तुम जो दुखी ख्यालों में थी उनसे तुम्हें बाहर निकालना था, राइट? फ्रीज, बस ऐसे ही हंसते रहना और अभी दुखी ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर रखना, ओके? और अगर वो आ भी जाए ना तो मैंने क्या कहा था तुम्हारे गाने के बारे में, इट्स शॉकिंग, उसे याद रखना। हाँ ये ठीक है, तुम क्यूरियस हो, रेस्टलेस हो, पर तुम दुखी नहीं हो। That's okay. भारी कंगन डैडी जी ने उस पंकुरी को दे दी। पता है मेरी कब से नजर थी उन पर। तुम औरतों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमेशा तुम्हारी नजर इन छोटी छोटी चीजों पर रहती है और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी बड़ी चीजें हाथ से निकल जाती। हाँ हाँ, औरतों को दोष देना तुम मर्दों का काम ही तो होता है। तुम ये सब जो मुझे सुना रहे हो, तुम मुझे बताओ तुमने ऐसी कौन सी चीज बड़ी चीज हथियार रखी है? नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि जिंदगी में आज तक मैंने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन क्या हम इसी बात को लेकर झगड़ते रहेंगे या फिर इसके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे? वैसे करना तो है,
मतलब ऑलरेडी तुमने कुछ सोच रखा है ना? बताओ 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 क्या सोचा है? करने की क्या जरूरत है? ये इस घर का अनरिटन रूल है पंखुड़ी, किसी कमरे में भी जाओ उसके पहले नॉक करो। अब तो आदत सी हो गई। तुम सोच रही होगी कि मैं यहां फिर से क्या कर रहा हूं, राइट? मैं इसके बारे में बात करने आया हूं। नानू ने तुम्हें देखकर बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमारे यहां इतनी हेवी और ओल्ड फैशन ज्वेलरी कोई पहनता नहीं, इसलिए आई डोंट थिंक कि किसी को ऑब्जेक्शन होगा कि ये तुम्हें दिया गया। जस्ट रिलैक्स, ओके? वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सोच रही हो कि इतनी कीमती गिफ्ट मैं कैसे लूं, लोग क्या सोचेंगे, ये मुझे वापस लौटानी चाहिए, राइट? देखो धीरे धीरे मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह समझने लगा हूं। अब चलो एक बार इसे पहन लो। नहीं आदिब, मुझे वापस करना ही होगा। नो वे, तुम नानू की चीज उन्हें वापस लौटा नहीं सकती, ओके? अरे नानू कितना बुरा लगेगा यार, और मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। ओके, सिर्फ एक बार पहन लो, मुझे देखना है। तुम नहीं पहनोगे, ठीक? मैं भी यही खड़ा रहूंगा। जब तक तुम ये नहीं पहनोगी ना, मैं यही इधर खड़ा रहूंगा। उसके बाद अगर सुबह हो जाए और मॉम उठ जाए और फिर दर्द है प्यार का, दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। रानी के कंगन कितने खूबसूरत है ना, तुम्हारे हाथ भी काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक गॉड नानू ने तुम्हें ही ये दिया। वैसे मुझे जाना चाहिए, आई थिंक काफी लेट हो गया है एंड तुम्हारे चक्कर में ना मैं हमेशा की तरह लेट हो जाऊंगा आज। मेरे चक्कर में? और नहीं तो क्या, तुम भी ना फटाफट सो जाओ, अगर नींद ना आए ना तो अपने गाने के बारे में सोचना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Yeah.
नहीं हुआ जो मैंने कहा था। मुझे ये सपना आया कि मोम आंटी अंदर आएगी। अगर आंटी अंदर आ जाती तो नहीं आएगा। देख के जाना। कहीं क्या? और क्या? तुम आप सो जाओ, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। Come in. आंटी मैं अंदर आ जाऊं, आपसे बात करनी थी। जो भी कहना है जल्दी कहो। मुझे जॉगिंग के लिए जाना है और मुझे किसी भी चीज के लिए लेट होना पसंद नहीं। Will you speak up, please? आंटी मुझे ये वापस करना था। कल नाना जी ने जो रात को कंगन दिए थे, अब उनके रूम में तो नहीं जा सकती थी, इसलिए सोचा आप क्यों? क्यों? कल जो भी हुआ उससे मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ, और अब तुम यहाँ आकर अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाकर मुझे और इरिटेट मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने ये इनोसेंट लुक्स और मीठी मीठी बातों से यहाँ सबका दिल जीत लोगी? डैड ने तुम्हें ये एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया और तुम इसे लौटाने आई, वो भी मुझे, ताकि डैड को ऐसा लगे कि मैंने तुमसे ये गिफ्ट वापस ले ली। नहीं आंटी, इरादा क्या है तुम्हारा पंखों? मुझे नीचा दिखाना चाहती? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनी। ये कंगन वापस करके तुम सबकी नजरों में महान बनना चाहती? ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे इस घर की, इस फैमिली की एक मेंबर बनना चाहती, वो भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बन के ही रहो। जिस दिन मेरे डैड ठीक हो जाएंगे ना पंखुरी, उसी दिन तुम्हें इस घर से जाना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।